बुलबुलों के सिर पर कभी ताज नहीं होता, बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता। सिर झुकाने की आदत है जिनको, उनके सिर पर कभी ताज नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशक न्यूज़, आपके संघर्ष का साथी। साथियों, यहाँ पर आज की ब्रेकिंग में हम बात करेंगे संगठन की, संगठित रहने की। साथियों, जिस दिन अंधेशक और शिक्षा मंत्र एक मंच पर आकर अपनी आवाज़ उठाएंगे, सरकार को तुरंत उसी वक्त एक्शन लेना पड़ेगा और देना होगा उनका वाजिब हक, समान कार्य, समान वेतन, क्योंकि ये है उनका संवैधानिक अधिकार। राष्ट्र निर्माताओं को इस तरह से परेशान करना, उन्हें मौत के मुंह में धकेलना, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। आप जैसा कि सभी जानते हैं, कौशल सिंह अभी जल्द ही आर्थिक तंगी से आकर उन्होंने आत्महत्या की थी। इससे पहले अंधेशकों ने आत्महत्या की थी और इस समय सबसे ज़्यादा अत्यंत दयनीय स्थिति में अगर शिक्षा विभाग में कोई कार्य कर रहा है तो वो अंधेशक और शिक्षा मित्र हैं। उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ राजनीतिक वैर निकाला जा रहा है जो कि एक गैर कानूनी कार्य है। इस पर सरकारों को, समाज के उन सभी बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए और इन राष्ट्र निर्माताओं को उनका हक देना चाहिए। लगातार अंधेशक और शिक्षा मंत्र अपने मानदेय के लिए बात कर रहे हैं, अपना वाजिब मानदेय जो समान कार्य समान वेतन के तहत कम से कम 24,000 होना चाहिए वो देने के लिए बात कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। जहां भी उन्हें आसरा दिखाई देता है, जहां भी आशा की किरण दिखाई देती है, वो वहां अपना ज्ञापन लेकर चले जाते हैं, क्योंकि इस तरह वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो शायद कोई कर पाए। इस महंगाई में वो किस तरीके से अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। शायद आप एक बार उनका जीवन जीकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वो किस कदर इस गरीबी से जूझ रहे हैं और अपने आप को मौत के गले लगा रहे हैं। इसका दोषी कौन है, इस मौत का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। जिस देश में उद्योगपतियों को सैकड़ों करोड़ माफ होते हों, लेकिन स्नातक डिप्लोमा डिग्री धारक जो 8 घंटे 100-100 किलोमीटर दूर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके संवैधानिक हक, संवैधानिक मानदेय तक प्राप्त नहीं हो रहा है उन्हें, ये एक अत्यंत निंदनीय विषय है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, जो कि उन्हें उनका संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है। इस तरीके से कह सकते हैं अंधेशक शिक्षा मित्रों के मामले में या कि संविदा कर्मियों के मामले में जो अत्याचार, जो शोषण हो रहा है, वो एक गैर कानूनी है जिसका जवाब देना चाहिए सरकारों को। देश के नौनिहालों का भविष्य तैयार करने वाले इन राष्ट्र निर्माताओं को उनका हक देना ही होगा, आज नहीं तो कल। आप नहीं देंगे कोई और देगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तनशील है। आप सोच लीजिए एक बार फिर से। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना था कि हम शिक्षा में अंधेश का समस्त संविदा कर्मियों को एक मंच पर आकर आवाज़ उठानी चाहिए, तभी मिलेगा आपको आपका संवैधानिक हक। आज के समाचारों में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।